मोहब्बत का शहर है आगरा, जहां से पवन आगरी आते हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ पवन आगरी को आमंत्रित करिए, बहुत जोरदार तालियां बजाकर उन्हें बुलाइए। आइए, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। हास्य व्यंग का कवि हूँ, तो बात शुरू करता हूँ। मुझसे पहले भाई संजय खत्री जी कविता पढ़कर गुजर गए। मेरा मतलब माइक से निकले हैं भाई, आप गलत क्यों सोच रहे हैं? आप देख रहे हैं उन्होंने जिस जगह को संभाला हुआ है। पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी, उनके बराबर में कलर टीवी रखी हुई है। ये प्रताप भाई मेरे बराबर में बैठे हुए लाफ्टर चैंपियन है, प्रताप फौजदार मुझसे बोले, मुझसे बार बार बात कर रहे थे, बोले ये जो बलजीत कौर जी बैठे हैं, जो ये फिल्म अभिनेत्री, ये मुझे आधे घंटे से परेशान कर रही है। अरे मैंने कहा सरदार जी क्यों झूठ बोल रहे हो, उन्होंने तो आपकी तरफ देखा भी नहीं है। बोले यही मेरी परेशानी का कारण है। सब लोग बड़े आनंद में थे। मैं आपको बताता हूं, आप तो यहां बहुत अच्छा सुन रहे हैं और आपने बिल्कुल सही समय पर ही व्यवस्था रखी हुई है। हम सारे कवियों को आदत है हर जगह कविता पाठ कर लेते हैं। अभी ये बैठे हुए हैं सुरेश अलवेला जी और मनोज भाई, इन लोगों को मैंने कैसे शेरों के कार्यक्रम में बुलाया था, आप समझ गए होंगे। रात को 8 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ, हाथ में गिलास थे जिसमें एक प्रकार का पेय पदार्थ था और बड़े लोग मस्त थे। उस कार्यक्रम को हमने किया, उसके बाद एक व्यक्ति हाथ में गिलास लिए मेरे पास आया, बोले साहब आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। बोले आप लेते हैं क्या? अरे मैंने कहा भाई हम नहीं लेते। बोले कभी जब बहुत दुख में होते हो? मैंने कहा भैया मैं बिल्कुल इसको बिल्कुल नहीं पीता। बोले कभी जब बहुत खुश होते हो? मैंने कहा भाई मैं बिल्कुल नहीं पीता। बोले कभी जब कोई शादी वगैरह में जाते हो तब आपका मन करता हो तब आप ले लेते हो? मैंने कहा भाई मैं छूता तक भी नहीं। बोले फिर ठीक है, आप मेरा ये गिलास पकड़िए, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूं। क्या बढ़िया है। तो हमें तो हर जगह की आदत है, एक बार जरा तालियां बजा दीजिए। क्या बात, ये तो नया काम सिखा के जा रहे हो तुम्हें। मैं बताता हूं साहब क्या बात, ये हमारे कुमार मनोज जी बहुत बढ़िया संस्कार, ये संस्कारों की बात कर रहे थे, बहुत बढ़िया संस्कार इन्होंने अपने बच्चों को दे रखे हैं। मैं जब भी इटावा जाता हूँ तो इनका जो बेटा होता है वो हमसे हमेशा चाचा जी नमस्ते करता है। आज जब यहाँ कवि सम्मेलन में आना था, जैसे ही हम घर पर गए तो इनका बेटा मुझसे बोला मामा जी नमस्ते। मैंने कहा भाई आज तुमने रिश्ता कैसे बन दिया? बोले कुछ नहीं, जब आप आ रहे थे तो पापा मम्मी से कह रहे थे देखो साला फिर आ गया। ये सदियां हैं साहब। मैं आपको बताता हूं, पिछले दिनों मैंने कुछ प्रयोग किए। पहले क्या था और अब क्या, जब टीवी चैनल्स पर हम लोग गए, ये सब टीवी चैनल के सितारे हैं साहब, इन सब लोगों के साथ हम काव्य पाठ करते हैं। पिछले दिनों कुछ प्रयोग किए, भैया जरा हाँ जरा जल्दी करिए। हाँ। जी मेरे को कान में बताने आया है जी, ये हड़प्पा की खुदाई में निकला हुआ माइक इसलिए स्वागत जी। एक बार जरा तालियों से मन बना दीजिए। मैं हालांकि मैं ज्यादा कहता नहीं हूं और मैंने जब से तो कहना बहुत बंद कर दिया है। अभी ये प्रताप भाई, बलजीत कौर जी, ये कुमार भाई, सुरेश अलवेला जी, मनवीर मधुर जी, ये हम सब लोग एक बार एक कवि सम्मेलन में गए थे दुबई। अब साहब वो दुबई में जैसे सारे लोग थे, खूब हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, केवल एक सज्जन थे जैसे आप बैठे हैं साहब, आप ना बिल्कुल हंस रहे हैं ना। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब आप हंस नहीं रहे हैं। बोले क्यों हंसू, मैं बड़ा आदमी हूं, उसके लिए मैंने आदमी रखे हुए हैं। अरे मैंने कहा आप तो बहुत बड़े आदमी। मैंने कहा तालियां वाली अब नहीं बजा रहे। बोले क्यों बजाऊं, मैं बड़ा आदमी हूं, उसके लिए भी मैंने आदमी रखे हुए हैं। अब मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। फिर साहब 5-6 महीने बाद हमारा जाना हुआ तो सामने से वो सज्जन चले आ रहे थे, हाथ में कलावा वाला बंधा हुआ था और कुछ मेहंदी वगैरह हाथ में लगी हुई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ?
बोला मेरी शादी हो गई है, तो मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया कि आप हनीमून पे नहीं जा रहे। तो आप इतने बड़े आदमी नहीं होंगे, एक बार ज्यादा जोरदार तालियां बजाई। तो पिछले दिनों कुछ प्रयोग किए कि पहले क्या था और अब क्या है। मैं देख रहा हूं हमारी नौजवान पीढ़ी यहां पर बैठी है, मैं देख रहा हूं हमारी भूतपूर्व नौजवान पीढ़ी भी यहां पर बैठी है। मैं बुजुर्गों को भूतपूर्व नौजवान कहता हूं क्योंकि हरियाणा में यही कहना चाहिए। मैं बताता हूं साहब पहले क्या था अब क्या है। जैसे पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था, आदरणीय वीर सिंह जी, पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था जब कोई सगाई संबंध की बात चलती थी कि यह लड़का ड्रिंक करता है, तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थिति आज भी वही है। आज किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी चल रहा है, पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं, आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं होटल। ये बढ़िया बढ़िया कह के बातें तो मत करो यार, नंबर तो तुम्हारा भी आएगा फिर मैं भी बात करूंगा। चलो खैर मस्ती में पड़ रहा हूं, ठीक है। पहले लोग काकागा से काम चलाया करते थे, आज भी लोग काकागा से काम चला रहे हैं। पहले लोग काकागा से कैसे काम चलाया करते थे, पहले लोग कासे कमाते थे, जितने पुराने लोगों को जानते हैं, पहले लोग कासे कमाते थे, खासे खाते थे, गासे घने बनवाते थे, घासे घर बनाते थे, कासे कमाते थे, खासे खाते थे, गासे घने बनवाते थे, घासे घर बनाते थे। स्थितियां आज भी वही है, आज भी लोग काकागा से काम चला रहे हैं, आज लोग कासे कर्ज ले लेते हैं, खासे उसे खा जाते हैं, घासे गायब हो जाते हैं और रास्ते मिल जाए तो घासे घुड़की और देते हैं। ये आपको पता होगा साहब पहले कोई नेता अपने पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने के लिए जाता था तो कहता था कि साहब आप मुझे उस शहर से टिकट दे दीजिएगा, मैं वहां से जीत जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। आज का नेता जब भी पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने जाता कहता है साहब आप मुझे उस शहर से टिकट मत दीजिएगा, मैं हार जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। मेरे बात महीन कही एक बार ताकि मुझे आपकी अच्छी भक्ति में चाहिए। आपको पता होगा साहब पहले कोई लड़की अपनी मां से पूछ लेती थी, मेरी मातृशक्ति यहां पर बैठी है, पहले कोई लड़की अपनी मां से पूछ लेती थी कि मां मैं जींस पहन लूं, तो उसकी मां उससे मना कर दी, नहीं बेटा जींस नहीं पहनना अच्छी बात नहीं है। आज कोई लड़की अपनी मां से पूछती है कि मां मैं मिनी स्कर्ट पहन लूं, तो उसकी मां कहती है बेटी पहन ले कुछ तो पहन ले। ये जब उतराव आया तब मैं एक रचना पढ़ता हूं, आपको ऐसा लगे जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। एक बातचीत से निकाली हुई एक रचना, लेकिन कहां से शुरू करी और कहां पर तंग किया, मैंने जो भारतीय सभ्यता को जो भूलती जा रही है, जो पाश्चात्य सभ्यता में रंगती जा रही है युक्तियों, उन पर मैंने तंज किया है। मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा, एक बार मैं चाहता हूं मुझे तालियों से मन बना दीजिए मेरा, कि एक दिन मैं ख्यालों में डूबा हुआ सड़क पर चला जा रहा था तो मैंने देखा कि 5 वर्षीय बच्चा रोता चला रहा था। मैंने उसे प्यार से अपने पास बुलाया, बहला फुसला के बड़ी मुश्किल से चुप करवाया, रोने का कारण पूछा तो उसने बतलाया कि मैं अपनी माँ से बिछुड़ गया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। मैंने कहा बेटे तुम अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलते तो न तो तुम बिछुड़ते न इस बात भटकते। वो बोला मेरी माँ के दोनों हाथों में शॉपिंग का सामान था। उसकी इस बात को सुनकर मैं बड़ा परेशान था। मैंने कुछ सोचकर कहा अपनी माँ की साड़ी का पल्लू ही पकड़ लेते और इस तरह अपने घर की रनाप लेते। वो बोला साड़ी होती तो पल्लू पकड़ता ना। वो बोला साड़ी होती तो पल्लू पकड़ता ना, लेकिन मेरी माँ तो स्कर्ट पहने थी। अब भारतीय नारी को पश्चिमी परिधान में देखकर दुख सहने की बारी मेरी थी। उदास मन से मैंने फिर कहा बेटे स्कर्ट कोई पकड़ लेता, अरे ना तो तू परेशान होता ना मैं परेशान होता। वो बोला स्कर्ट भी इतनी ऊंची थी कि मैं उसको छलकर भी नहीं पकड़ सकता। वो बोला स्कर्ट भी इतनी ऊंची थी कि मैं उसको छलकर भी नहीं पकड़ सकता था। मैं समझ गया कि फैशन की मारी कोई युक्ति होगी जिससे अपना बच्चा भी नहीं समझ सकता था, जिसे सिर्फ अपने हुस्न फैशन और जवानी से प्यार था, न भारतीय सभ्यता से प्यार था, न अपने बच्चे से प्यार था, न भारतीय सभ्यता से प्यार था, न अपने बच्चे से प्यार था। मित्रों हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न मैं खाऊंगा न मैं खाने दूंगा। अब हिंदुस्तान का आदमी तो बहुत चतुर और चालाक, उसने लंच पैक कराया और विदेश जाकर खाया, चाहे वो विजय माल्या हो चाहे नीरव मोदी हो। तब इन दिनों मेरा एक बहुत ही
वायरल व्यंग है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं और आपका आशीष चाहता हूं। ये समर्थ मंच है, विद्यालय का प्रांगण है और मुझे मालूम है कि आप व्यंग की भाषा, कविता की भाषा को बहुत शिष्ट ढंग से सुनना जानते हैं। मैं एक बार चाहता हूं तालियों से मुझे आदेश कि जब भी मौसम सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए, हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए, फिर अचानक हमने एक बैंक से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांग सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। यह स्थिति मैं तो बधाई देना चाहूंगा आपके विद्यालय परिवार को, आदरणीय वीर सिंह जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने हिंदी का इतना बड़ा अनुष्ठान कराया, इतना बड़ा कवि सम्मेलन कराया। आप चाहते तो किसी फिल्म स्टार की नाइट भी करा सकते थे, लेकिन आपको भी पता था कि इतने सस्ते में सिर्फ कवि सम्मेलन ही हो सकता है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन आजकल हिंदी की स्थिति हो क्या गई है, आपको पता है ना, लोग हिंदी बोल रहे हैं ना इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे ट्रेन के बारे में पता करना था, मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है, हिंदी का विद्यार्थी, हिंदी से एमए किया, हिंदी से पीएचडी कर रहा हूं, मैंने पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है। वो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर लो। हाँ, बात समझ में आ रही हो, तालियां बजा सकते हैं। देखिए ये तो आपका बहुत अच्छा विद्यालय है, लेकिन आजकल जो गली गली में कॉन्वेंट स्कूल खुल गए, वहां किस तरह की पढ़ाई चल रही है, मैं बताता हूं। मेरे एक भतीज वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, मैंने एक दिन उससे पूछा, बेटा तेरी पढ़ाई क्या चल रही है, बोला अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा हिंदी की, बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानते हो। आप विश्वास करिए साहब, 15 मिनट तक सोचती रही, बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। ये स्थितियां साहब, आप किसी रिक्शे वाले से कहिए, बोले बोले भैया विश्वविद्यालय चलेगा साहब, ये क्या होता है, बोले यूनिवर्सिटी चलेगा साहब, ऐसे बोलिए ना हिंदी में। तो हम तो यूपी बोर्ड के पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में हम क्या करते थे, 4-5-6 कवियों की जीवनी याद कर लेते थे, उसमें से एक कवि की जीवनी पेपर में फंस जाती थी। मुझे लगता है आपने भी ऐसी परीक्षा दी, हमने भी ऐसी परीक्षाएं दी है। एक लड़का था, दूसरे दिन परीक्षा होनी थी हिंदी की, अब उसे किसी कवि की कोई जीवनी याद नहीं हुई, तो उसने उन कवियों की जीवनी की नकल तैयार करी और उसे शरीर के प्रत्येक हिस्से में छुपा लिया। अब उसे यह भी याद रहा कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली। वो पर्ची दूसरे दिन पकड़ी गई, वो पर्ची तैयार करी, वो पर्ची पकड़ी गई। मैं रचना शुरू करता हूं, इस रचना से मैंने सब जो सोनी का सब चैनल पर जो बाबा का मुकाबला था, सेमीफाइनल मुकाबला, उसको मैं जीता था। मैं उस रचना को इसलिए पढ़ के जाना चाहता हूं, हो सकता है आपको मेरी उस कविता, मेरा नाम याद रहे ना रहे पवन आगरी, लेकिन कुछ कविता की उस पंक्तियां आपको याद रह जाए तो मुझे मेरा नाम यहां सार्थक हो जाएगा। तो मैं पहली बार इस विद्यालय में आया हूं, मैं एक बार मुझे तालियों से आदेश करें। जी भैया, भैया चाय वाले बस तुम यहीं पर रह जाओ, वैसे भी आजकल चाय वाले से कौन कुछ कह पाया, पता नहीं कब प्रधानमंत्री हो जाए। तो जाओ बेटा, कोई बात नहीं, रख दे है ना। जी सुरेश अलवेला जी कह रहे हैं एक जो माइक पर भी दे दो चाय। अरे नहीं भाई, भैया जल्दी कर दे भाई दादा, मैं आपको बता रहा हूँ। स्वागत बेटा, तुम रख जाओ ना, ये ले लेंगे अपने आप, पहले ये लोग यही काम करते थे। आप क्यों परेशान, जाओ निकल जाओ फटाफट का। हाँ, मुझे लगता है उसने प्रधानमंत्री बनने का ही ठान रखा है, सुन भी नहीं रहा है, जैसे वो नहीं सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल। और देश में केवल चाय वाला ही है जो किसी की नहीं सुनता है, सब लोगों को अपनी सुनाता है। एक बार तालियों से मुझे आदेशित करें, क्योंकि वो थोड़ा सा संदर्भ भंग हो जाता है। मैं मंच का भी ध्यान चाहूंगा आप सभी का। मैं आपको कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र, ध्यान रखिए, किसी कवि की कोई जीवनी याद नहीं हुई तो उन कवियों की जीवनी की नकल तैयार करिए, उसे शरीर के प्रत्येक हिस्से। अब उसे यह भी याद ना कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली, उसके लिए भी उसने एक पर्ची तैयार करी, वो पर्ची पकड़ी गई। कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र,
हिंदी गाया प्रश्न पत्र सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए, हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बैट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी यास्ती में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी यास्ती में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में, और शेष के लिए छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक मिल जाएगा। कि नकल करते यदि पकड़ा गया तो बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक मिल जाएगा। हमें यह देखकर उस लड़के की बुद्धिमता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है। अरे हम सबसे ज्यादा मनस्पर्शी है, यदि यह बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर यह नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का पढ़ेता बनेगा। यह देखते देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज इस प्रांगण में मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ पढ़ना चाहिए। देखिए, ये सब बड़े कवि हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं पिछले दिनों मैं विदेश यात्रा पर गया था, बैंकॉक गया था। आप लोग इतने शांत क्यों गया? कवि सम्मेलन में गया था भाई। मैं आपको बताता हूं, बल्जी जी कह रही है सबको पता है क्यों गए थे। ये अच्छी बात है कि आप समझती हैं उस चीज को। मैं आपको बताता हूं, लेकिन साहब जब आदमी चला जाता है और लौट के आता है तो पता नहीं कुछ भाव कुछ ऐसे रहते हैं। मैं जब वहां से कवि सम्मेलन करके हम लौट के आए सारे लोग, तो उसके बाद सब हम लौट के आए तो जब भी कोई मोबाइल पर मैसेज लिखा हुआ आता था मैं उसे मसाज पढ़ने लगता था। ये जगह का प्रभाव है। मैं आपको बताऊं, ये सब बड़े लोग हैं, तमाम देशों की यात्राएं इन्होंने की, 50 देशों की यात्राएं करी है। कुमार मनु ने एक बार जोरदार तालियां बजाई है इनके लिए। हमारे बेला जी इन्होंने 60 देशों की यात्राएं करी, एक बार जोरदार तालियां बजाई है। मनवीर मधुर भैया 70 देशों की यात्राएं करी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और प्रताप फौजदार जी ने तो इतनी विदेश यात्राएं की जितनी मोदी जी ने भी नहीं की, इस बार के लिए जोरदार तालियां। ये संजय खत्री बैठे, मैं आपको बताता हूं, इन्होंने भी 10 देशों की यात्राएं की, हालांकि इनका अभी तक पासपोर्ट नहीं बना है। अरे भाई, नेपाल, बांग्लादेश, ऐसे भी तो कई देश होते हैं, तालियां बजाइए इनके लिए। ये बलजीत कौर जी बैठे, 25 देशों की यात्राएं करी है। राधिका मित्तल बैठी है, इन्होंने 30 देशों की यात्राएं करी है। ये हमारे भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने भी 10 देशों की यात्राएं करी है, क्योंकि नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ना। तो लेकिन साहब, मैं छोटा कवि हूं, मैंने सिर्फ 5 देशों की यात्राएं करी हैं, किंतु मैंने वास्तव में की है। बहुत बढ़िया। तो साहब, मैं आपको बता, जब मैं मॉरीशस गया, मॉरीशस के राष्ट्रपति भवन में मेरी सीडी का विमोचन हुआ, सर अनुरोध जगन्नाथ जी ने किया था। और उसके बाद वहां का एक गर्ल्स हिंदू कॉलेज था, मुझे वहां पर एक कविता पढ़नी थी। भारत की फिल्में वहां पर काफी लोकप्रिय है, तो मैंने उन लड़कियों से पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो माधुरी दीक्षित के नाम से परिचित हैं। 50% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए कि आप माधुरी दीक्षित के नाम से परिचित हैं। फिर मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो ऐश्वर्या राय के नाम से परिचित हैं। 75% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए कि मैं ऐश्वर्या राय के नाम से परिचित हैं। मैं इसे अपने देश का दुर्भाग्य कहूं, सौभाग्य कहूं, जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी धार्मिक सुंदरी का नाम लिया, मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो मल्लिका शेरावत के नाम से परिचित हैं। 100% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, टीचर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। मैं आपको बताता हूं साहब, अभी एक बहुत बड़े चैनल ने एक बड़ी साहित्यकार उर्फी जावेद को अपने कार्यक्रम में बुलाया, उसको लेकर उस चैनल से दो बड़ी साहित्यकार जो वरिष्ठ साहित्यकार थी, मल्लिका शेरावत और राखी सावंत, उन्होंने चैनल को अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि हम उनसे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हमको क्यों नहीं बुलाया गया।
यह व्यंग की भाषा, एक बार मैं चाहता हूं तालियां बजा के मुझे, मैं बताता हूं सर। अब आप कहेंगे मैंने मल्लिका शेरावत को धार्मिक सुंदरी क्यों कहा, धार्मिक महिला क्यों कहा? क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि शरीर नाशवान है, और मुझे लगता है कि मल्लिका जी इस मर्म को बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि जब ये शरीर नाशवान है तो इसका जितना उपयोग किया जाए कर लो। तब रचना का जन्म हुआ, जब सब टीवी पर वाह वाह का मुकाबला हुआ और उस मुकाबले को मैंने जीता था, फिल्म फना और रंग दे बसंती के गीतकार थे प्रसून जोशी जी, उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया था बॉलीवुड, मैंने कुछ पौराणिक संदर्भ उठाए, तब इस रचना का जन्म हुआ। और नारी विमर्श पर तमाम रचनाएं आपने सुनी होगी, लेकिन इस रचना का समापन मैंने जिस तरह से किया है, मुझे लगता है कि आज के इस दौर में वो रचना बहुत जरूरी थी और उसको पढ़कर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। एक बार मुझे आप तालियों से आदेशित करें कि एक धार्मिक सीरियल के निर्माता ने एक बड़ा काम किया, उसने अपने महाभारत सीरियल में द्रौपदी के रोल में मल्लिका शेरावत को लिया। महाराजा धृतराष्ट्र के शाही दरबार का दृश्य था, बड़ा ही मनोरम परिदृश्य था, सारे दरबारी अपनी आंखें सेक रहे थे, लेकिन भीष्म पितामह इस आधुनिक द्रौपदी के कम कपड़ों को देखकर अंदर तक झेप रहे थे। उस दिन शर्म, लाज और हया की छुट्टी थी। अच्छा हुआ महारानी गांधारी की आंखों पर पट्टी थी। अचानक दुर्योधन ने क्रोध में आकर उछाला एक जुमला गंदा, बोला इस द्रौपदी ने मुझे अपमानित करने के लिए कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। यह सुनकर द्रौपदी बनी मल्लिका मुस्कुराई और थोड़ा सा दुर्योधन के नजदीक आई, बोली अरे तुम मुझे छोड़कर हस्तिनापुर क्यों लड़ रहे हो, अरे सच ही बताओ क्या तुम अंधेपन क्यों नहीं बढ़ रहे। यह सुनकर दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, बोले भाई ये काम करो, इस द्रौपदी का चीरहरण कर इसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करो। तो दुशासन ने द्रौपदी बनी मल्लिका का ऊपर से नीचे तक सिंहावलोकन किया, तत्पश्चात अपना निर्णय दिया, दोनों हाथ जोड़कर बोला हे माते कहां से शुरू करूं, समझ में नहीं आ रहा है, अरे मुझे तो आपके शरीर पे चीर नजर नहीं आ रहा है कि मुझे तो आपके शरीर पर चीर नजर नहीं आ रहा है। यह सुनकर द्रौपदी ने अपने तेवर जता दिए और दुशासन की कमी के दो बटन तोड़कर उसके हाथ में थमा दिए। यह देखकर पांडवों तक में मची खलबली, बोले यार इससे तो अपनी अज्ञातवास की जिंदगी भली, अरे इसने तो हमारी सोई हुई आत्मा जगा दी, अरे ये द्रौपदी तो हमने गलत दांव पे लगा दी। थोड़ी ही देर में दुशासन द्रौपदी के सैंडल की हील हो गया और सारा वातावरण चीरहरण के बजाय कमीजहरण में तब्दील हो गया। उसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी नहीं आए। यह देखकर हमारे मन में यह विचार आए कि इस देश में अवलाओं के चीरहरण करने वालों का यही हर्ष होना चाहिए, वे मल्लिका की तरह तन पर कपड़े कम पहने या ज्यादा, पर हर नारी के मन में दुराचारियों को सबक सिखाने का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत